Good morning, 8th standard. Welcome you all once again in history period. Lesson number 6, that is beginning of freedom movement. Okay. Yesterday, we had seen up to 4-point programs of Indian National Congress. Ye bhi humne padha tha, 4-point programs of Indian National Congress. And now we start with, do you know? Okay. Gopal Krishna Gokhale founded the Servants of Indian India Society in 1905. Underline this sentence. Gopal Krishna Gokhale founded and established. What he established? Servants of India Society in 1905. Okay. To create law for the country, teach them sacrifice of self-interest. Yane unhone kya sikhaya? Desh prem ke liye tyag karna sikhaya. Sacrifice means that. Sacrifice of self-interest. Differences between religion and caste should be destroyed and to create social harmony. और जो भेदभाव है लोगों के मन में caste और religion यानी धर्म को लेके उसको क्या करना destroy करना नाश करना उसका यानी हटा देना उसको remove it and to create social harmony and to establish social harmony यानी सुसंवाद जो है वो लोगों में बना रहना चाहिए समाज में. Spread of education were the main objective of the servants of India society. और ये servants of India का society का main objective means aim कौन सा था? तो spread of education, लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति सद्भावना होनी चाहिए और उसके साथ साथ education. ठीक है, spread of education. Now differences between moderate and extremist, यानी मवाल पक्ष के लोग और जहाल पक्ष के लोगों में जो differences थे, differences means thinking differences, विचारधाराओं में जो differences रहते हैं. The differences between the ideologies, ठीक है, the differences between the ideologies of Indian National Congress rose to great extent in the Surat session in 1907. यानी ये जो है विचारधाराओं में जो मतभेद है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सूरत में जो सेशन हुआ उसमें दिखाई दिए. द मॉडरेटर्स वेयर ट्राइंग टू कीप असाइड द रिजोल्यूशन ऑफ स्वदेशी एंड बायकॉट. ये जो मॉडरेटर्स थे, मॉडरेटर्स का कहना क्या था? टू कीप असाइड द रिजोल्यूशन ऑफ स्वदेशी एंड बायकॉट, यानी स्वदेशी वस्तुओं को बायकॉट करना यानी उस पर बैन डालना, ये थोड़ा सा ये इशू वो थोड़ा सा दूर रखते जा रहे थे. द एक्सट्रीमिस्ट ट्राइंग दैट दिस अपोजिशन शुड नॉट बी सक्सेसफुल. गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह, मेहता, सच मॉडरेट लीडर्स ब्लेम दैट द एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स आर ट्राइंग टू कैप्चर द इंडियन नेशनल कांग्रेस. और ये कुछ जो लीडर्स थे ना, कौन? गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह, मेहता और सच मॉडरेट लीडर्स ब्लेम दैट. ये जो लीडर्स है मॉडरेट के, वो किस बात के ऊपर ब्लेम कर रहे थे? द एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स आर ट्राइंग टू कैप्चर द इंडियन नेशनल कांग्रेस. एक्सट्रीमिस्ट लीडर जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को कैप्चर करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं. ठीक है, लाला लाजपत राय ट्राइड टू एक्ट एज ए मीडिएटर. और उसमें मीडिएटर की जो भूमिका है वो किसने निभाई? लाला लाजपत राय. एज पर तिलक्स ओपिनियन, इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज अ नेशनल प्लेटफॉर्म. लोकमान्य तिलक का ओपिनियन क्या था? ये जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस वो नेशनल प्लेटफॉर्म है. ठीक है, hence it should not be divided. उसके उसका विभाजन नहीं होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस का. ड्यूरिंग द सेशन द टेंशन इंक्रीज एंड सिंस नो कॉम्प्रोमाइज वॉज पॉसिबल फाइनली देयर वॉज अ स्प्लिट इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस. क्या होता गया? टेंशन बढ़ता गया, मतभेद बढ़ते गए और उसका नतीजा क्या हुआ? फिर कॉम्प्रोमाइज दोनों साइड के लोगों ने नहीं किया. दोनों साइड के लोग मतलब मॉडरेटर्स एंड एक्सट्रीमिस्ट. और तो उसका नतीजा क्या हुआ कि वो इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट हो गई, यानी उसके दो टुकड़े हो गए और फाइनली देयर वाज अ स्प्लिट इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस. ठीक है, टेंशन बढ़ता गया. सेपरेशन ऑफ द ब्रिटिश आफ्टर एंटी पार्टीशन मूवमेंट, द गवर्नमेंट वाज डिस्टर्ब लुकिंग एट द इन्फ्लुएंशियल पब्लिक प्रोटेस्ट. यानी गवर्नमेंट डिस्टर्ब हो गया, लोगों का दिन ब दिन जो उठाव था ब्रिटिशर्स के विरुद्ध वो बढ़ता जा रहा था, आंदोलन बढ़ता जा रहा था. कोर्ट टू कंट्रोल दिस मूवमेंट, ये मूवमेंट के ऊपर कंट्रोल का पाना, द गवर्नमेंट यूज द पॉलिसी ऑफ सेपरेशन. गवर्नमेंट ने लोगों का दमन करना, एक्सप्लॉयटेशन करना स्टार्ट कर दिया. होल्डिंग ऑफ पब्लिक मीटिंग वॉर लीगली बैन. पब्लिक मीटिंग के जो होल्डिंग लग रहे थे वो उन्होंने उसके ऊपर उन्होंने बंदी डाली. स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स वेर गिवन टू दोज हु ब्रोक द लॉ. और जो लॉ जो ब्रोक करते थे, तोड़ते थे,
उनको पनिशमेंट मिलती थी। स्कूल चिल्ड्रन वेयर ऑल्सो बीटन अप, जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनको भी मारा जाता था। मेनी रिस्ट्रिक्शन वेर इम्पोज ऑन न्यूज पेपर्स, न्यूज पेपर्स में जो आर्टिकल्स छप के आते थे उस पर भी निर्बंध डाले गए, उसके पर भी रिस्ट्रिक्शन डाले गए जबरदस्ती। मेनी प्रिंटिंग प्रेस वेर कॉन्फिस्केटेड ऑन ग्राउंड्स ऑफ ब्लेम ऑफ क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट, बहुत सारी प्रिंटिंग प्रेस जो थी उसको भी, वो प्रिंटिंग प्रेस को भी जब्त किया गया, कॉन्फिस्केट यानी जब्त करना, बंदी डालना, किस बात पे, उनको ऊपर ब्लेम यानी आरोप किया गया, एलिगेशन लगाया गया कि वो गवर्नमेंट के ऊपर जो क्रिटिसाइज करते हैं ऐसे न्यूज न्यूज़पेपर में छापते हैं, तो वो न्यूज़पेपर की प्रिंटिंग यहाँ पर होती है। ये कहते स्ट्रिक्ट ओपिनियंस वेयर टेकन अगेंस्ट द एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स, दिस लेड टू अ सीवियर रिएक्शन इन बंगाल, और इस बात की रिएक्शन बंगाल में दिखाई दी। द रिवोल्यूशनरीज एडॉप्टेड, रिवोल्यूशनरीज यानी क्रांतिकारी, एडॉप्टेड द मींस ऑफ फायरिंग बॉम्ब ब्लास्ट एक्सेट्रा, जो वहां के जो क्रांतिकारी है उन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट किया, फायरिंग किया। दिस बॉम्ब अटैक्स वेयर एडवोकेटेड थ्रू केसरी न्यूज पेपर बाय लोकमान्य तिलक, और ये जो छपी केसरी में लोकमान्य तिलक ने छपी। द चार्ज ऑफ सेडिशन वॉज पुट ऑन लोकमान्य तिलक फॉर विच ही वॉज सेंट टू मंडाले जेल एट म्यांमार फॉर 6 years इंप्रिजनमेंट, और नतीजा ये हुआ उनको जन्म के शिक्षा सुनाई गई, ठीक है, यानी जन्म ठेप नहीं, 6 साल की कैद की शिक्षा सुनाई गई और उनको मंडाले के तुरंत में भेजा गया, मंडाले के जेल में भेजा गया 6 साल के लिए। बिपिन चंद्र पाल वॉज सेंटेंस टू जेल एंड लाला लाजपत राय वॉज डिपोर्टेड फ्रॉम पंजाब। ओके, नाउ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग की स्थापना। The British became very disturbed looking at the overwhelming response to the Indian National Congress in the anti-partition movement. ब्रिटिशर्स जो थे वो बहुत डिस्टर्ब हो गए, क्यों, क्योंकि लोगों का जो रिस्पॉन्स मिल रहा था एट ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन इन द एंटी पार्टीशन मूवमेंट को लेकर लोगों का जो रिस्पॉन्स मिल रहा था वो देख के थोड़ा सा ब्रिटिश गवर्नमेंट डिस्टर्ब भी हो गए और डर भी गया। द ब्रिटिश वंस अगेन फॉलोड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, और फिर उन्होंने अपनी नीति अपनाई, कौन सी, डिवाइड एंड रूल, तोड़ा और राज्य करा। दे स्टार्टेड यूजिंग द प्रोपोगंडा, प्रोपोगंडा ने प्रचार करना, दैट फॉर सेफगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम्स दे शुड हैव अ सेपरेट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, नहीं मुस्लिम लोगों के जो इंटरेस्ट है वो सेफ रहने चाहिए, इसलिए वो क्या करेंगे, सेपरेट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करेंगे, ठीक है। Due to the motivation of the British government, a committee of upper class Muslims under the leadership of Aga Khan made Governor General Lord Minto. और फिर क्या हो गया, देखो इन ब्रिटिशर्स ने उकसाया मुसलमानों को और उनके ऊपर उनके उकसाने का असर भी हुआ मुसलमानों के ऊपर, मोमेडियन लोगों के ऊपर। और ड्यू टू द मोटिवेशन, मोटिवेशन ने प्रोत्साहन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, अ कमिटी ऑफ अपर क्लास मुस्लिम, अपर क्लास मुस्लिम यानी जो रिच मुस्लिम्स थे ना, उन्होंने अपनी एक कमिटी बनाई और उसके लीडर कौन थे, आगा खान। वो कहा, किससे मिले, मेट गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो, ठीक है, गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड मिंटो, उनसे मिले। Due to the motivation from Lord Minto and other British officers, the Muslim League was established in 1906. British successful हो गए हिंदू मुस्लिम में फूट डालने में, और फिर मुस्लिम लोगों की खुद की एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश हो गई, सेटअप हो गई 1906 में, जिसका नाम था मुस्लिम लीग। ओके, नाउ मोरले मिंटो एक्ट। There was dissatisfaction among the Indians regarding the work of British government. British government के काम को लेकर इंडियंस में इंडियन लोग जो थे वो डिससेटिस्फाइड, असमाधानी थे। द इंडियंस फेल दैट द रीजन ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया वॉज द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश, वो क्या सोचते थे कि इंडिया में जो गरीबी है, ठीक है, उसके पीछे ब्रिटिशर्स की इकोनॉमिक पॉलिसी है, यानी आर्थिक जो नीति रहती है ना, आर्थिक योजनाएं जो रहती है उसी की वजह से है। ऑपरेसिव पॉलिसी ऑफ लॉर्ड कर्जन, एक्सक्लूसिव ऑफ एजुकेटेड इंडियंस इन गवर्नमेंट सर्विसेज, अनजस्ट बिहेवियर टुवर्ड्स इंडियंस इन अफ्रीका, ऑल दिस एडेड टू द डिससेटिस्फेक्शन ऑफ द इंडियन पीपल। देखो ये ब्रिटिशर्स क्या करते थे, द इंडियन ऑपरेसिव पॉलिसी ऑफ लॉर्ड कर्जन, ये जो लॉर्ड कर्जन वाली था वो बहुत ही एक्सप्लॉयटेशन एक्सप्लॉयट करता था
ऑप्रेसिव करता रहता था, यानी हमारे जो इंडियंस लोग थे उनके ऊपर बहुत अत्याचार करता था। एक्सक्लूजन ऑफ एजुकेटेड इंडियंस इन गवर्नमेंट सर्विसेज, गवर्नमेंट की सर्विस में जो पढ़े लिखे इंडियंस थे उनको इसने हटा दिया। अनजस्ट बिहेवियर टुवर्ड्स इंडियंस इन अफ्रीका, अफ्रीका में भी जो इंडियंस थे उनके साथ अनजस्ट बिहेवियर यानी उनको रॉन्ग ट्रीटमेंट दी जा रही थी। ऑल दिस एडेड टू द डिससैटिस्फेक्शन ऑफ द इंडियन पीपल, और ये सारी बातों का प्रभाव असर हमारे इंडियन लोगों के मन में हो रहा था, इसलिए असंतोष की भावना उनमें जाग पड़ी। ठीक है, जागी। देन एज अ टेम्पररी रेमेडी ऑन द डिसकंटेंट अमंग इंडियंस, द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1909 वाज पास्ड। फिर ये सब डिसकंटेंट देख के ब्रिटिशर्स ने क्या किया, द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट पास किया। ठीक है, 1909 में, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, इस एक्ट यानी करार के अनुसार, इट इंक्रीज द नंबर ऑफ इंडियन मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा, विधानसभा में इंडियन लोगों की संख्या बढ़ाई जाएगी। ठीक है, एंड प्रोविजंस ऑफ इंक्लूजन ऑफ सम इलेक्टेड इंडियन रिप्रेजेंटेटिव इन लेजिस्लेटिव असेंबली वॉज मेड। और उसके साथ साथ ये भी करतूत की जाएगी कि सम इलेक्टेड इंडियन रिप्रेजेंटेटिव जो है वो उनको भी लेजिस्लेटिव असेंबली में यानी विधानसभा में बिठाया जाएगा। ठीक है, इन द सेम एक्ट सेपरेट इलेक्टोरेट्स वेयर प्रोवाइडेड टू द इंडियन मुस्लिम्स। देखो कितने बदमाश हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट्स वेयर प्रोवाइडेड टू द इंडियन मुस्लिम ड्यू टू दिस कॉन्स्पिरेसी ऑफ द ब्रिटिश, द सीड्स ऑफ डिविजन इन इंडिया वेयर सोन। यानी सीधे सीधे उन्होंने क्या किया, हिंदू और मुस्लिम में फूट डाल दी। लखनऊ पैक्ट, इन द लखनऊ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1916 अंडर द लीडरशिप ऑफ लोकमान्य तिलक एन अटेम्प्ट वॉज मेड टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखो क्या हुआ, लखनऊ सेशन हुआ, लखनऊ में जो अधिवेशन हुआ वहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस में 1916 में लोकमान्य तिलक की लीडरशिप में कोशिश की गई, जो झगड़े हो रहे थे इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस में एक्सट्रीमिस्ट के और मॉडरेटर्स के, वो उसको सॉल्व करने के लिए लोकमान्य तिलक ने कोशिश की। ठीक है, इनकी नियुक्ति की गई। इन द सेम ईयर देयर वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग नोन एज द लखनऊ पैक्ट। और तभी इंडियन नेशनल कांग्रेस में और एग्रीमेंट किया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग में। ठीक है, नोन एज द लखनऊ पैक्ट, और उसी का नाम क्या है, लखनऊ पैक्ट। मार्किंग करो इसको, ब्रैकेट में डालो। इन द सेम ईयर यानी उसी ईयर में, ठीक है, मीन्स 1916 में देर वॉज एन एग्रीमेंट बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस में एक करार किया गया, और उसी करार का नाम क्या है, लखनऊ पैक्ट। अकॉर्डिंग टू दिस पैक्ट द इंडियन नेशनल कांग्रेस एग्रीड टू सेपरेट इलेक्टोरेट्स टू मुस्लिम्स एंड मुस्लिम लीग एग्रीड टू सपोर्ट द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन इट्स वर्क फॉर गेटिंग पॉलिटिकल राइट्स टू इंडिया। देखो इस पैक्ट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस पैक्ट, इस करार के अनुसार द इंडियन नेशनल कांग्रेस एग्री यानी सहमति देगी टू सेपरेट इलेक्टोरेट्स यानी उनके अलग मतदार संघ होंगे टू मुस्लिम्स, मुस्लिम लोगों को दिया जाएगा, एंड मुस्लिम लीग जो है वो इस बात के लिए एग्री होगी कि वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के काम में उनको सपोर्ट करेगी। ठीक है, होम रूल मूवमेंट, इन होम रूल चळवळ, इन 1914 व्हेन लोकमान्य तिलक वॉज रिलीज फ्रॉम द मंडाले जेल द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड बिगन इन यूरोप। 1914 to 1918 यूरोप में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, और 1914 में ही लोकमान्य तिलक वहां पे रिलीज हो गए, कहां से, मंडाले के जेल से। द डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस वॉर हैड टू बी बेयर्ड बाय इंडिया एज वेल, इंडिया को भी ये वॉर के जो कॉन्सिक्वेंस यानी परिणाम थे वो भुगतने पड़े, क्योंकि ये ब्रिटिश उस वॉर में शामिल थे। द रेट्स ऑफ बेसिक नेसेसरी कमोडिटीज इंक्रीज, जो जरूरत की वस्तुएं है ना उसके भाव बहुत बढ़ गए। मेनी रेस्ट्रिक्शंस वेर पुट अप ऑन द इंडियंस बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, इंडियंस के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत सारे बंधन भी डाले। दिस लेड टू इंक्रीज डिससैटिस्फेक्शन इन द माइंड्स ऑफ इंडियंस, और असंतोष की भावना इंडियंस लोगों के मन में जाग उठी इसी वजह से। इन दिस सर्कमस्टांसेस डॉक्टर एनी बेसेंट एंड लोकमान्य तिलक स्टार्टेड होम रूल मूवमेंट, और ये यही ऐसी परिस्थिति
देखकर ये डॉक्टर एनी बेजेंट है उन्होंने और लोकमान्य तिलक ने होम रूल मूवमेंट यानी होम रूल आंदोलन स्टार्ट किया. होम रूल मीन्स सेल्फ गवर्नमेंट. ठीक है. सच मूवमेंट ऑल्सो बिगैन इन आयरलैंड अगेंस्ट कोलोनालिज्म. यही मूवमेंट जो है यही आंदोलन या किसने स्टार्ट किया था आयरलैंड ने इसके विरुद्ध कोलोनालिज्म यानी ये ब्रिटिशर्स हर जगह जाके अपनी कॉलोनी बसा देते थे और बस वहां के लोगों के ऊपर मुट्ठी भर लोग जाते थे वहां के जो लोग है उनके ऊपर राज्य करते थे तो इनके विरुद्ध आवाज उठाया था आयरलैंड ने. ठीक है. ऑन सिमिलर लाइंस होम रूल मूवमेंट डिमांडेड राइट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया. पर होम रूल ने डिमांड रखी कि हमें हमारा देश है हमारे कंट्री है तो हमारा ही शासन रहेगा आप हमारे ऊपर राज्य क्यों कर रहे हैं और हमारे यहाँ का राज्य कारभार क्यों देख रहे हैं. ठीक है. तिलक फॉर्मली स्टेटेड दैट स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट. और लोकमान्य तिलक ने ब्रिटिशर्स को क्या बताया स्वराज इज माय बर्थ राइट स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और वो मैं मिला के ही रहूंगा. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड इंडिया द वॉर एटमोस्फेयर इन यूरोप ग्रोइंग डिससेटिस्फेक्शन इन द माइंड्स ऑफ इंडियंस. ये जो वॉर का जो एटमोस्फेयर था वहां पर यूरोप में ग्रोइंग डिससेटिस्फेक्शन इन द माइंड्स ऑफ इंडियन और लोगों के मन में असंतोष की भावना जागृत हुई थी क्योंकि पूरा असर हमारे इंडियंस पे हो रहा था. देन पॉपुलैरिटी ऑफ होम रूल मूवमेंट इन सच कंडीशंस इट वाज नेसेसरी फॉर द ब्रिटिश टू गेट कोऑपरेशन फ्रॉम द इंडियंस. और ये जो होम रूल मूवमेंट है यानी स्वशासन इसकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ रही थी. ठीक है. तो ब्रिटिश को इस बात का कंपल्शन हुआ कि इट वॉज नेसेसरी फॉर द ब्रिटिश टू गेट कोऑपरेशन फ्रॉम द इंडियंस. तो उनको इंडिया का सहयोग चाहिए था. ठीक है. द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू प्रोवाइड सम पॉलिटिकल राइट्स टू द इंडियंस. फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या प्रोवाइड किया कि ये लोग मांग ही रहे स्वराज स्वशासन तो ठीक है इनको हम क्या करते हैं कुछ पॉलिटिकल राइट एंड राजकीय अधिकार देते हैं. In 1917, Montague, Secretary of State for India, underline this, Montague, Secretary of State for India, declared that step by step, Indians will be given the right to self-government and responsible political system. और उसने ये ऐलान कर दिया कि धीरे धीरे इंडियन लोगों के हाथ में अधिकार दिए जाएंगे सेल्फ गवर्निंग के एंड रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल सिस्टम के लिए. ठीक है. और वो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे पॉलिटिकल सिस्टम के लिए. Tilak also declared that if the government is going to show sympathy and considerable attitude towards the demands of the Indians, only then Indian public is ready to cooperate with the British. और लोकमान्य तिलक ने उनको सीधे कह दिया कि अगर ये जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो अगर हमारे लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करेगी ठीक है उनका एटीट्यूड जो है हमारे लोगों के साथ उनका उनको सप्रेस करना उनको एक्सप्लॉइट करना अगर ये बदलती है तो ही इंडियंस उनकी मदद करेंगे. ठीक है. देन इंडियंस पब्लिक इज रेडी टू कोऑपरेट द ब्रिटिश. दिस पॉलिसी ऑफ लखनऊ सॉरी लोकमान्य तिलक इज नोन एज रिस्पॉन्सिव कोऑपरेशन. नाउ मॉन्टेग्यू चेल्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट. रिफॉर्म यानी सुधारणा. In 1919, the British Parliament passed another act to bring constitutional reforms in India. Constitutional reforms यानि राज्य घटना में बदलाव करने के लिए सुधार करने के लिए 1919 में British Parliament ने एक act pass किया. This act is known as Montague Chelmsford Reform Act. और ये act कौन से नाम से जाना जाता है Montague Chelmsford Reform Act. According to this act, इस एक्ट के अनुसार less important departments were transferred to the Indian Ministry. देखो कितने बदमाश है जो डिपार्टमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है ना वो ऐसे डिपार्टमेंट इंडियन मिनिस्ट्री को ट्रांसफर किए जाएंगे. वेयर आर द इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट्स लाइक फाइनेंस होम अफेयर्स एंड रेवेन्यू वे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नर. और ये जो डिपार्टमेंट है फाइनेंस यानी जहाँ से पैसा आता है होम अफेयर्स और रेवेन्यू यानी महसूल पैसा वो सब इनके अंडर रहेगा ब्रिटिशर्स के अंडर. द 1919 एक्ट डिड नॉट गिव मच एक्सपोजर टू द डिमांड फॉर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ऑफ इंडियंस यानी कुछ ज्यादा इस एक्ट ने इंडियंस को दिया नहीं.
एवरीबडी वॉज डिसअपॉइंटेड ड्यू टू दिस एक्ट, और ये एक्ट की वजह से सब लोग डिसअपॉइंट ना नर्वस हो गए. तिलक क्रिटिसाइज द एक्ट इन फॉलोइंग वर्ड, दिस इज नाइदर स्वराज नॉर इट्स फाउंडेशन. पर फिर लोकमान्य तिलक ने सीधे बता दिया ये स्वराज भी नहीं है और ना ही ये स्वराज का बेस है. द इंडियंस अंडरस्टूड दैट इफ दे हैव टू सबड्यू द ब्रिटिश गवर्नमेंट देन द एजिटेशन नीड्स टू बी मोर रिगोरस. यानी ब्रिटिशर्स को शरण जाके कुछ नहीं होगा, हमें हमारा आंदोलन ब्रिटिशर्स के विरुद्ध और तीव्र करना पड़ेगा. इंडिया गॉट प्रिपेयर्ड फॉर अ मूवमेंट, और इंडिया ने फिर से एक नए मूवमेंट की, नए आंदोलन की, ब्रिटिशर्स के विरुद्ध एक नए रणनीति की शुरुआत कर दी. ठीक है, हियर अवर लेसन इज ओवर. योर होमवर्क इज दैट रीड लेसन अगेन एंड फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ दिस लेसन, एट लीस्ट फिल इन द ब्लैंक्स एंड राइट द नेम्स. दिस इज योर होमवर्क. What is your homework? Fill in the blanks as well as write the names. Okay? And read lesson once again. I repeat, read lesson carefully. Underline hard words. Find out meaning from the dictionary and note down in your copy. Okay? And now period is over. Bye-bye.